नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद जालौन के जालौन थाना अंतर्गत बंगरा मार्ग पर छह पुला के पास एक स्कूल बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। बच्चों से खचाखच भरी बस में करीब आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक बच्चे को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएल कॉन्वेंट स्कूल जालौन की बस UP 92-30-07-56 नित्य की तरह आज भी ग्राम अम्फेड़ा से लगभग तीन दर्जन बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी कि अचानक बस के ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस पहले से ही दुर्घटनाग्रस्त खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें करीब आधा दर्जन बच्चों को चोटें आई हैं। आनन फानन में मौके पर राहगीरों की मदद से बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और एक बच्चे को गंभीर चोटें आने पर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। परिजनों के अनुसार एक जानकारी मिली है कि बस चालक रामकिशोर याज्ञिक ने जानबूझकर बस में ब्रेक ऑयल नहीं होने पर उसने बच्चों के मना करने के बावजूद ब्रेक ऑयल की जगह पानी डाला था और बस को तेज रफ्तार से भगा रहा था। फिलहाल बस चालक मौके से फरार है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम अम्फेड़ा से आए हुए। क्या घटना हुई है? घटना एक्सीडेंट हुआ है, बस जो बच्चे अम्फेड़ा से आते थे। कितने बच्चे थे उसमें? उसमें लगभग ऐसी 25-30 के लगभग। 25-30, उसमें कितने बच्चे घायल हैं? उसमें ऐसे कम से कम 6-7 बच्चे ज़्यादा घायल हैं। सबसे ज़्यादा हल्की चोटें हैं। और आपको स्कूल प्रशासन की ओर से कोई सूचना पहुंची है? नहीं, कोई सूचना नहीं पहुंची स्कूल प्रशासन की। कहते वाके बच्चन ने कहीं गाड़ी ना ले जावान, पानी डारो ब्रेक वाल की जगह पर बैठे आओ। इस संबंध में आपको क्या जानकारी है? एक्चुअली मुझे अभी अभी इस चीज़ के बारे में पता चला है और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैंने अभी अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है। मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी अभी ऑथोराइज नहीं हुआ है यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनका करके, और मैं सारा सिचुएशन सब चीज़ देख रही हूँ। और मेरे आने का मकसद ये है इन बच्चों के लिए, और अगर आज इन बच्चों को कुछ होता तो इट्स रियली वेरी बिग थिंग कि मैं अपना शहर सारी चीज़ छोड़कर जालौन जैसी जगह पर आई हूँ और वहाँ पे भी अगर कुछ चीज़ ऐसी हो रही है बच्चों को, ये सब ख़त्म करना है। बच्चों के लिए कुछ करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और देखिए क्या होता है, त्रिपाठी सर को बुलाइए जो आप अभी देख रहे हैं चार्ज का, आप उनसे बात कीजिए। सुबह 9 बजे की घटना है, एमएल कॉन्वेंट एक स्कूल है, उसके बच्चे थे, तीन बच्चे आए थे अस्पताल में, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल था और जिसको हमने प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एक बच्ची थी तो बड़ी चोट थी और एक और बच्चा है जो अभी हमारे यहाँ एडमिट है। जालौन में ट्यूशन पढ़कर आ रहे दो छात्रों के ऊपर मकान का छज्जा गिर गया, जिससे दोनों छात्र घायल हो गए। घायल हालात में दोनों छात्रों को देख उनके अध्यापक ने परिजनों के साथ मिलकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन एक छात्र की हालत नाजुक होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना कोटरा थाना के मुगलाना का है, जहां के रहने वाले नाम 10 वर्षीय दानिश और 17 वर्षीय फारूक शाम के समय ट्यूशन पढ़कर नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक हरिशंकर अग्रवाल के मकान का छज्जा बच्चों के ऊपर गिर गया, जिससे दोनों बच्चों को चोट आ गई है, जिन्हें देख उनके अध्यापक ने पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन एक छात्र दानिश की हालत देखते हुए परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज कानपुर रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जालौन से रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट।